सीताराम माई की, हरी वाली माई की, रतनगढ़ वाली मैया की, आश्रम वाली मैया की, भारत माता की, दतिया की जनता जनार्दन की, बागेश्वर धाम की, खंडोबर सरकार की, पायलट बाबा की, सभी संत समाज की, बड़ा दूर नाम आभार व्यक्ति का होता है, पर आपने दे दिया। महाराज आप गौरव ऐसे विराजमान हैं जो हारे का सहारा है, जो अस्पताल से निराश हो जाता है, जो परिवार से निराश हो जाता है, वो आपकी चरण में आता है, वो आपकी शरण में आता है। मनुष्य की व्यथा और हनुमान जी की कथा ये अनंत है। मनुष्य की व्यथा और हनुमान जी की कथा ये अनंत है, और जो इसे समझ गया वो आप जैसा संत है। संत का आना और बसंत का आना एक साथ है। बसंत आता है तो वृक्षों में नई पौधें आती है, हमारी प्रकृति हंसती है, और संत आते हैं तो हमारी संस्कृति हंसती है, हमारी सभ्यता। मैं धार्मिक मित्र का महाराज बोल नहीं पा, मैं नेता टाइप का बचपन से रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि संत हमें याद करें तो ये हमारा भाग्य है। हम संत को याद करें परम भाग्य होता है। हम संत के यहां चल के जाएं तो ये सौभाग्य होता है, और संत चल के हमारे बीच में आ जाए तो ये महाभाग्य होता है, और इतने पर भी हम नहीं समझे तो ये दुर्भाग्य होता है। हरि अनंत हरि कथा आपकी लीला अपरंपार, बिना देखे बिना समझे आपका शोक समझ रहे हो। हम घर में रह के घर को ही नहीं समझ पाए तो कहां से आप। सीधे तार जुड़े हुए हैं आपको, और इसलिए हम कहीं भी नहीं लगते हैं कि हम आपके सामने कुछ कहे प्रवचन। आप आए हो 3 तारीख से बतिया भक्तिमय भक्तिमय महाराज जी। 20-25 हजार माताएं कलश रखी पीली साड़ी में जब निकली बतिया की सड़कों पर, तो वो पीतांबरा वेश में ऐसा लग रहा था पीतांबरा माई, हर माई बेटी के अंदर, हर मातृशक्ति के अंदर उस भक्त क्या वातावरण था। अलौकिक दृश्य था, अलौकिक दृश्य, और हम उस वस्तु को आत्मसात कर पाए जब तक दूसरे जन आ पाए। आत्मसात कर भी नहीं पाए थे, दूसरी बना भी नहीं पाए थे, आप आए और आपके साथ जो सैलाब आया भक्तों, ऐसी महिमा आई भक्तों की कि दतिया में सारी लॉज फुल, होटल फुल, वाटिका फुल, धर्मशाला फुल, कहीं पैर रखने के लिए नहीं, और मारे दतिया वालों वाटिका निःशुल्क, होटल निःशुल्क, खाना निःशुल्क, सब कुछ बिल्कुल। मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबका दतिया वालों अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। कितना बड़ा हृदय है, और उनकी आलोचना करता हूं जिनने एक कहावत बनाई थी
कैद दतिया में और भेंट दतिया में सज्जन सपूत से न भेंट दतिया में। अरे देखो तो सही कितने सज्जन रहते हैं, कैसे कैसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने परिवार के अंदर भक्तों को होता है। लगातार आपको दरबार संख्या लाखों में और ये लाखों को हमारे दतिया ने आग गुजार कर लिया महाराज से। एक व्यक्ति का नाखून नहीं टूटा, नाखून इतनी बड़ी भीड़ के अंदर इस दतिया के अंदर इस दतिया वालों की सेवा का आभार व्यक्त करता है। लगातार 5-6 दिन हो गए, 3 तारीख से लेकर 8 तारीख आ गई और दतिया का जनता का उत्साह, दतिया की जनता का प्रेम, हमारे कार्यकर्ता रात दिन लगे महाराज झाड़ू लगा रहा, कोई गोले बन रहा, कोई गोली काट रहा, भंडारा चल रहा है। महाराज ये कार्यक्रम कोई इतनी भर में नहीं कर पाता। ये कार्यक्रम या तो सवेरे ही मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहू आ गई और पार्थिव शिवलिंग बन गई। पार्थिव शिवलिंग 12 बजे तक खत्म हो ही नहीं पाए थे, हम साफ नहीं कर पाए थे। 2 बजे से आपका दरबार हो गया, हम 2 बजे के दरबार को समा नहीं पाते थे कि 4 बजे से आपकी कथा चालू हो। 4 बजे की कथा 7 बजे 8 बजे खत्म हुई, हम समा नहीं पाए कि भजन संध्या प्रारंभ हो जाती थी। कब दिन चला जाता था, कब रात होती थी, पता ही नहीं चलता था कब सुबह हुई कब शाम हुई। ये दतिया का आलम था महाराज, उस दतिया की जनता को नमन करता हूं। बहुत अधिकारियों को, पुलिस वालों को, कर्मचारियों को, प्रकृति ने भी महाराज प्रकृति है ऐसी बोली कि जब उमस चली तो पूरे यौवन पे थे और पानी बरसा तो झूम के बरसा, लेकिन दोनों भक्तों की हिम्मत को भी गिरा पाया। उमस में एक व्यक्ति नहीं रहता, गर्मी में एक व्यक्ति नहीं देगा, बारिश में एक व्यक्ति नहीं चिगा, ये भक्ति होती है। और ये भक्ति सीखना है तो दतिया में आओ, ये आनंद लेना है तो दतिया में आओ, ये उत्सव देखना है तो दतिया में आओ, ये आलोकता देखना है तो आओ दतिया में। सारे लोग देखो कि दतिया का आंचल कितना बड़ा है और कैसे वो अपने आप को समझती है। महाराज मैंने बताया कि मैं धार की मैं इससे बोल नहीं पाता, पर मेरी एक क्षणिक आग्रह है। आपने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है प्रयोजन सरकार और मैंने थोड़ा सा निवेदन किया तो उन्होंने स्वीकार किया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तहे दिल से आपका पायलट बाबा, हमारे रतन गौड़ा जी मैया के और सत समाज जरूरी बैठे सबका मन से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मानव हूँ, इसलिए गलती तो हो ही सकती है मुझसे, मेरे कार्यकर्ता से, मेरे प्रशंसक से, चाहने वालों से, नदिया वालों से, उन सबकी ओर से क्षमा मांगता हूँ। मैं कहता हूँ कि अनजाने में भी चाहे ही भूल पूरी हो सकती है और जीवन के कुछ दूर पलों में बुद्धि हमारी सो सकती है। ऐसे ही अनजान पलों की भूल हमारी माफ करे और क्षमा दान देकर हमको नई ऊर्जा प्रदान करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। इलेक्ट्रिक विभाग, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, जितने भी हमारे सरकारी विभाग के लोग लगे, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने कार्यकर्ता बंधुओं का जिन्होंने परिवार समझ करके हमारे संत समाज को अंगीकार किया, स्वीकार किया। आज हमारी संस्कृति को बचाने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो ये संत समाज कर रहे हैं। देखिए मित्रों, स्वयं खाना प्रकृति है, हम भोजन खाते हैं, स्वयं खाना प्रकृति है, छुड़ा खाना विकृति है और खुद भूखे रहकर दूसरे को भोजन कराना ये हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति को अगर कोई जिंदा रखता है तो ये संत समाज रखता है। और इसलिए इन संतों के चरणों में, इन महंतों के चरणों में, इन साधुओं के चरणों में तो संपूर्ण दतिया का जन प्रतिनिधि होने के नाते संपूर्ण दतिया की ओर से आपके चरणों में नमन।